एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं सुनी गई, बात नहीं कही गई। नए लोगों से बात करना और अपनी बात को, कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना खुद में एक चैलेंज होता है। नए लोग तो एक तरफ अपने पुराने दोस्तों से भी बात करते हुए कन्वर्सेशन के दौरान अक्सर हालचाल पूछने के बाद ही बातें खत्म हो जाती और फिर समझ नहीं आता कि आगे क्या बात करें, और फिर दोनों बात करने वाले और सुनाओ और बताओ और सुनाओ ये कहने लग जाते हैं। और इस और सुनाओ का जवाब तो आज तक नहीं मिला, और इसका जनरली जो आंसर होता है वो यही होता है कि सब अच्छा, आप सुनाओ, आप बताओ। ये इशू ऑलमोस्ट सबके साथ होता है कि किसी से बात करते हुए समझ नहीं आता कि आगे क्या कहें, बातचीत को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, और कभी दूसरों की बातों से आप और कभी आपकी बातों से दूसरा बोर होने लग जाता है और बातचीत को खत्म करने का बहाना ढूंढ रहा होता है ताकि जल्दी से जान छुड़ाकर वहां से निकले। एक बुक है हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लेल लाउंडेस। इस बुक में बहुत सी ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक्स बताई गई हैं जिन्हें यूज करके अपने डेली कन्वर्सेशंस को और कम्युनिकेशन को बेहतर किया जा सकता है। आज हम इसी बुक में से 7 टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, मेक द मूड मैच। ये गलती अक्सर लोग कर देते हैं कि जिससे वो बात करने जा रहे हैं उसके मूड का और स्टेट ऑफ माइंड का अंदाजा नहीं करते और अपने मूड में, अपनी मस्ती में, अपने ही जोश में जाके उससे बातचीत शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई दोस्त थोड़ा सैड है, थोड़ा परेशान और डिस्टर्ब है, कहीं बैठा है और बिना जाने कि वो किस मूड में है, किस सिचुएशन में है, क्या सोच रहा है, मैं उसके पास जाता हूँ और कहता हूँ, जोर से उसकी पीठ पर थपकी देके कहता हूँ, और भाई क्या हाल है, क्या कर रहे हो जवान। ऑब्वियसली इस पर उसका रिएक्शन बहुत खतरनाक भी हो सकता है। पॉसिबल है कि वो गुस्से में मुझे डांटने लग जाए कि क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, या उसका आंसर ये हो सकता है कि यार अभी मैं जरा अपसेट हूँ, बाद में बात करूंगा। और इसके ऑपोजिट, अगर कोई शख्स बहुत चीयरफुल है, एक्टिव है, खुश है और करंटली उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई है और मैं उसके पास जाकर बहुत लो टोन में बात करने लग जाऊं और कुछ इस तरह से बात करूं, और सुनाओ भाई कैसी जिंदगी जा रही है, सांसें चल रही है ना, तो यकीनन वो दूसरा शख्स अगर जुबान से ना भी बोले तो यकीनन वो शख्स अगर जुबान से ना भी बोले तो दिल में जरूर सोचेगा, अरे यार ये सोई सूरत कहां से उठ के आ गई है, सारा मूड खराब कर दिया। इस तरह से बिहेव करने से जब भी कभी भी हम किसी से बात करने लगे तो हम उनसे कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमारी बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है मेक द मूड मैच। तो इसके लिए जरूरी है जिससे भी आप बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में उसके एनर्जी लेवल पे आकर बात करिए, जिस टोन में वो बात कर रहा है उस तरह से उस टोन में उसको रिस्पोंड करें, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बात करते करते अपनी नॉर्मल टोन में वापस आ जाएं, और इस तरह से ना ही दूसरा पर्सन ऑकवर्ड फील करेगा और आपकी कन्वर्सेशन भी कंटिन्यू रहेगी। टेक्निक नंबर 2, एड अ स्टोरी एंड गिव ओपन एंडेड आंसर्स। जब भी हमसे कोई ये पूछता है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं या आप क्या काम करते हैं, तो इसका जनरल आंसर ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, भाई कहां से हैं आप? यार मैं लाहौर से हूं। लाहौर से आप? सही सही सही। और आप कहां से हैं? यार मैं इस्लामाबाद से हूं। अच्छा क्या काम कर रहे हैं आप आजकल? मैं बिजनेस कर रहा हूं भाई। और आप क्या कर रहे हैं? मैं लेक्चरर हूं। बहुत अच्छी बात है। सो और बताएं, और सुनाएं। तो ये देखिए, यहां आकर बातें खत्म हो गई। अब दोनों को समझ नहीं आएगा कि आगे क्या बात करें। ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स की या न्यूज की बातें शुरू हो जाएंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। अब अगर ऐसी कन्वर्सेशन के बजाय अपने आंसर्स में छोटी सी स्टोरी ऐड कर ली जाए और ऐसा आंसर किया जाए कि दूसरा उसमें से इजीली कोई और बात निकाल सके। फॉर एग्जांपल, यार मैं लाहौर से हूँ, जिसे हार्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, यानी कि पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, और आपको मालूम ही होगा कि ये एक हिस्टोरिकल सिटी होने के साथ साथ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और पाकिस्तान के दूसरे शहरों से, दूसरे सिटीज से लोग स्पेशली यहाँ स्टडी के लिए, जॉब और बिजनेस के लिए आते हैं। और इस सवाल के आंसर में कि आप क्या करते हैं, मैं बिजनेस करता हूँ, इसके बजाय जो बिजनेस किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल कन्वे कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता हूँ। जितने भी नए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और डिवाइसेस इम्पोर्ट होते हैं वो सबसे पहले कंट्री में हमारे पास आते हैं। इन आंसर्स की मदद से सुनने वाला सेकंड पर्सन इजीली आपके दिए गए आंसर्स में से कोई बात उठाकर मजीद क्वेश्चन कर सकता है, जिसकी मदद से कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहेगी और बात चलती रहेगी। नंबर 3, पैरटिंग टेक्निक। जिस तरह एक पैरट, एक तोता, हमारी बातों को रिपीट करता है और हमें बहुत अच्छा लगता है, सेम इसी तरह नेक्स्ट पर्सन की बातों में से किसी एक चीज को पकड़कर आपको रिपीट करना है कुछ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, भाई बहुत बर्डन हो गया,
ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और यूनिवर्सिटीज असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट्स देते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पर्सन इन्हीं बातों में से सिर्फ एक वर्ड को रिपीट कर सकता है, ऑनलाइन क्लासेस ? हाँ भाई, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं जूम पर, जूम एप्लीकेशन। हाँ यार, जूम कभी तो ठीक चलती है और कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम रहता है। पैरेटिंग टेक्निक को कभी कभी यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके ज्यादा यूज करने पर नेक्स्ट पर्सन इरिटेट हो सकता है, सो इसका इस्तेमाल ध्यान से किया जाए। नंबर 4, बी अ वर्ड डिटेक्टिव। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, मगर नेक्स्ट पर्सन ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, या जो बात आप कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, या उसकी इंटरेस्ट नहीं है, और आपको ये भी मालूम नहीं कि आप क्या बात करें जिसमें नेक्स्ट पर्सन इंटरेस्टेड हो, शौक से बात करे और अपना इजहार ख्याल भी करे। ऐसी सूरत हाल में आपको ये करना है कि एक अच्छा ऑब्जर्वर बनकर एक डिटेक्टिव की तरह दूसरे की बातों को बारीकी से ऑब्जर्व करना है और उसके कहे गए एक एक लफ्ज को गौर से सुनना है, क्योंकि दूसरे की बातों में कोई एक लफ्ज भी ऐसा हो सकता है जो उसकी दिलचस्पी को, उसकी इंटरेस्ट को जाहिर करेगा या उसकी तरफ इशारा करेगा। इस बुक के राइटर ने एक वाक्या ऐड किया है कि इनकी एक नर्स दोस्त थी जिनकी ड्यूटी ओल्ड एज होम में थी। ओल्ड एज होम में क्योंकि ज्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं, नर्स की ड्यूटी थी कि उन बुजुर्ग लोगों का ख्याल रखना, और इसके लिए जरूरी था कि उनसे अच्छे से बातचीत की जाए, कम्युनिकेट किया जाए। मगर उस नर्स को उनसे बातचीत स्टार्ट करने में, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। शायद वो एज डिफरेंस की वजह से था या जनरेशन गैप की वजह से था। वो नर्स अपनी दोस्त के पास गई, यानी इस बुक के राइटर के पास, और उन्हें अपना प्रॉब्लम बताया, और बताया कि ओल्ड एज होम में स्पेशली एक आंटी हैं जो बहुत खड़ूस टाइप की हैं, जिनका नाम मिसेज ऑटिस है, वो तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। मैंने उनसे कल बात करने की कोशिश की और कहा मौसम खराब हो रहा है और बारिश होने के चांसेस हैं, जिस पर उन बुजुर्ग खातून ने कहा बारिश प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए अच्छी होती है। ऑथर ने नर्स से पूछा तो फिर तुमने क्या कहा? नर्स ने कहा कि फिर मैं क्या कहती। मैं खामोश हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या कहूँ। ऑथर ने नर्स से कहा कि अच्छा, तुम कल उन बुजुर्ग खातून से जाकर पूछना कि क्या आपको प्लांट्स अच्छे लगते हैं, आपको पौधे अच्छे लगते हैं। नर्स ने वापस जाकर ऐसा ही किया और उन बुजुर्ग खातून से वही पूछा, और सरप्राइजिंगली वो बुजुर्ग खातून नर्स से बहुत खुश होकर बातें करने लगी और बताने लगी कि हाँ, मुझे बहुत पसंद है, इवन के मेरे हस्बैंड भी गार्डनर हैं। अब वो खातून अपने प्लांट्स के बारे में इतना कुछ बताने लगी कि खामोश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नर्स ने ऑथर को कॉल किया और पूछा कि आपको कैसे मालूम था कि उन बुजुर्ग खातून का इंटरेस्ट प्लांट्स में है? ऑथर ने बताया कि बस मैंने पौधों का नाम सुनते ही कि उनके जवाब में उन्होंने प्लांट्स का नाम लिया है, इस चीज को डिटेक्ट किया और गेस किया कि शायद ये उनकी इंटरेस्ट हो सकती है। टेक्निक नंबर 5, लिमिट द फिजिट। फिजिटिंग यानी कन्वर्सेशन करते हुए अपने फेस को टच करना, बालों को हाथ लगाना, आईब्रोज को टच करना या अपने हाथों को दुबाने लग जाना। फिजिट वो अननेसेसरी एक्ट होता है जो इंसान अनकॉन्शियसली परफॉर्म करते हैं अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो तब अनकॉन्शियसली फिजिट करता है। अक्सर लोग झूठ बोलते हुए कन्फ्यूज हो जाते हैं और अपनी कन्फ्यूजन को छुपाने के लिए अपनी गर्दन को टच करते हैं या कोई और इसी तरह का एक्ट करते हैं। 1960 में फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट कंडक्ट हुई थी जॉन एफ कैनेडी और मिस्टर निक्सन के दरमियान। निक्सन वो हार गए थे और इसकी रीजन एक्सपर्ट्स ने यही बताई कि निक्सन स्पीच के दरमियान बार बार फिजिट कर रहे थे, जिसकी वजह से वोटर्स को वो अनट्रस्टवर्दी मालूम हुए। नंबर 6, एको या मिररिंग टेक्निक। जो एक्ट हम आईने के सामने करते हैं, हमें सेम वो आईने के अंदर दिखाई देता है। और एको, जैसा कि बचपन में हम खाली कमरे में या किसी खाली जगह पर हेलो या अपना नाम लेते थे और हमें वापस वही सुनाई देता था जिस पर हम बहुत खुश होते थे, इस टेक्निक में भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं कि नेक्स्ट पर्सन जिससे हम बातचीत कर रहे होते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को और वर्बल लैंग्वेज को हम कॉपी करते हैं। कम्प्लीटली कॉपी नहीं करते, मगर उसकी कुछ कुछ चीजें, जिससे नेक्स्ट पर्सन को लगने लगता है हम भी उस जैसे हैं या उसी के दोस्तों में से हैं। बातचीत करते हुए नेक्स्ट पर्सन जो वर्ड्स यूज कर रहा है, जो वोकैबुलरी यूज कर रहा है, हम भी उसका रिस्पॉन्स करते हुए थोड़ा बहुत चेंजिंग्स के साथ उसी वर्ड्स को या उस वोकैबुलरी को यूज कर सकते हैं। और जिस तरह से वो बैठा है या खड़ा है या जिस पोजिशन में वो हमसे बात कर रहा है, उसकी पोजीशन को थोड़ा सा कॉपी कर सकते हैं। नंबर 7, यू कम्युनिकेशन, यानी जिससे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं सेकंड पर्सन, यू, तुम, आप या उसका नाम, इस टेक्निक में हम यूज करते हैं अपनी बातों के दरमियान।
जिससे सेकंड पर्सन पे बहुत अच्छा इम्प्रेशन और इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अगर आप ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी तवज्जो, उसकी अटेंशन आपसे जरा भर भी डाइवर्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है कि भाई आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, इसके बजाय यू कम्युनिकेशन का ख्याल रखते हुए आप ये कह सकते हैं, आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके साथ एसोसिएट होकर इस ड्रेस की शान बढ़ गई। चलिए ये कुछ ज्यादा हो गया, और कुछ इस तरह से कि आओ यार फुटबॉल खेलते हैं, तुम्हें मजा आएगा, एक्टिव हो जाओगे तुम। यानी जो भी बात आप कर रहे हैं या जो काम करने वाले हैं और नेक्स्ट पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, तो आपकी बातचीत से भी जाहिर हो कि नेक्स्ट पर्सन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, या उस काम के लिए इम्पोर्टेंट है, या वो काम या वो चीज उसके लिए इम्पोर्टेंट है। शायद आज का एपिसोड थोड़ा लेंथी हो गया, चलें कोई बात नहीं। अब अगर इसे समराइज करते चलें, नंबर वन, मेक द मूड मैच। बात करने से पहले नेक्स्ट पर्सन के मूड को समझ लिया जाए और उसके अकॉर्डिंग अपनी टोन को एडजस्ट किया जाए। नंबर टू, एड अ स्टोरी एंड गिव ओपन एंडेड आंसर्स। कभी भी सवाल करने पर छोटे से जवाब ना दिए जाए, और पॉसिबल हो तो अपने आंसर्स के साथ इतनी डिटेल दी जाए कि नेक्स्ट पर्सन उसमें से कोई और बात निकाल सके। नंबर थ्री, पैरेटिंग टेक्निक। दूसरे की कही गई बातों में से कुछ वर्ड्स को रिपीट करके इजीली कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखा जा सकता है। नंबर फोर, बी अ वर्ड डिटेक्टिव। नेक्स्ट पर्सन की बातों को और एक एक वर्ड को ऑब्जर्व करके उसकी इंटरेस्ट और दिलचस्पी को मालूम किया जा सकता है। नंबर फाइव, लिमिट द फिजिट। बातचीत करते हुए गैर जरूरी तौर पर अपने चेहरे को, गर्दन को, बालों को, आईब्रोज को टच ना किया जाए। यानी फिजिटिंग में जितनी भी चीजें आती हैं, कोशिश हो कि ना की जाए और इसे लिमिटाइज किया जाए। नंबर सिक्स, एको या मिररिंग टेक्निक। नेक्स्ट पर्सन की बॉडी लैंग्वेज को और उसके वोकैबुलरी को थोड़ा बहुत कॉपी करके अच्छा इंप्रेशन क्रिएट किया जा सकता है और फ्रेंडली एनवायरनमेंट पैदा किया जा सकता है। और एट लास्ट, नंबर सेवन, यू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करते हुए सेकंड पर्सन को अपनी बातों में हाईलाइट किया जाए। आपकी बातों से जाहिर हो कि आप उनसे बात कर रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर कम्युनिकेशन पे आप मजीद जानना चाहते हैं तो इससे हटकर एक और एपिसोड, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक पर हमारा एपिसोड मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।